हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है नॉलेज ऑल अबाउट के इस वीडियो में। मैं हूं श्रवण पटवा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको CGPSC कुल 143 पद ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, मोबाइल के माध्यम से घर बैठे आप भर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक आपको सारी जानकारी जो है आपको यहाँ पे मिलने वाली है। दोस्तों, इस प्रकार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर यहाँ पे जो है प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 14 फरवरी 2021 निर्धारित किया गया है। साथ ही इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 14/12/2020 से शुरू होकर 12/1/2021 रात्रि 11:59 तक कर सकते हैं। साथ ही इसमें जो है आवेदन करने के लिए ऑल इंडिया ओवर से आवेदन कर सकते हैं और किसी भी विषय से स्नातक वाले अभ्यर्थी जो है यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसमें कुल पद यहाँ पे देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में जो है यहाँ पे 143 143 दिया हुआ है। तो मैं इस प्रकार जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नोटिफिकेशन दे दूंगा, आप लोग वहां से भली भांति देख के सकते हैं। तो इस प्रकार मैं आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है मोबाइल के माध्यम से और पीसी के माध्यम से, यह मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। ऑनलाइन आवेदन करने का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से आसानी से एक्सेस करके ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे दिया हुआ है क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपके पास रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस दिखाई देगा। प्लीज फिल ऑल इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड रजिस्ट्रेशन डेट कैन नॉट चेंज। यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वह चेंज नहीं होगा, जो भी डेटा आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे आपको फिलअप करके मैं दिखा रहा हूँ। इस प्रकार जो है आपको राष्ट्रीयता यहाँ पे सिलेक्ट करना है, रेडियो बटन को एक्टिव करना होता है। साथ में यहाँ पे आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर, मूल निवास छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ के, अदर के हैं तो अदर पे क्लिक करना होता है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे कैटेगरी चूज करना होता है, आप किस कैटेगरी से आपको आवेदन करना है। यहाँ पे क्या आप दिव्यांगन है, यस या नो पे क्लिक करना है सारे रेडियो बटन को। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, क्या आप वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य या छत्तीसगढ़ राज्य बोर्ड के निगम में कर्मचारी हैं, यस या नो पे जो है क्लिक करना होता है। क्या आप वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के संविदा कर्मचारी हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे क्लिक करना है। डेट ऑफ बर्थ क्लिक करने के लिए यहाँ पे कैलेंडर फॉर्मेट दिया हुआ होता है। कैलेंडर फॉर्मेट में सिलेक्ट करने के बाद आपके पास काइंडली कंफर्म योर डेट ऑफ बर्थ ऐसा एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, उसको ओके पे क्लिक कर लें। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सारे डेटा को भली भांति देकर यस या नो पे क्लिक कर लें। साथ ही यहाँ पे 10th और 12th का सर्टिफिकेट जन्म प्रमाण पत्र के रूप में यहाँ पे यूज करना होता है, तो इसमें आप अपने अनुसार 10वीं या 12वीं का सिलेक्ट कर लें। साथ ही यहाँ पे जन्मतिथि के प्रमाण पत्र स्वरूप आपके द्वारा जमा किए जाने दस्तावेज प्रदर्शित अनुक्रमांक, यदि आप 10वीं का यहाँ पे सर्टिफिकेट चूज करते हैं तो उसका यहाँ पे अनुक्रमांक। उसके बाद यहाँ पे वैध ईमेल आईडी जो आपका वर्तमान में चालू स्थिति में हो। साथ ही यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी वही ईमेल एड्रेस का उपयोग करें जो आपका वर्तमान में वैध हो। यहाँ पे पासवर्ड बनाना होता है, मिनिमम 4 कैरेक्टर एंड मैक्सिमम 8 कैरेक्टर, जिसमें 1 कैपिटल 1 स्मॉल एंड स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर डिजिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपका यदि 4 से 8 कैरेक्टर के बीच में यदि अधिक होता है तो इस प्रकार का मैसेज आपको डिस्प्ले करेगा। उसके बाद आपको प्रीव्यू बटन पर क्लिक करना होता है।
रिव्यू बटन पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो है इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको नीचे साइड कैंसल और सेव बटन दिखाई देंगे। इसको जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो उस पर आपको क्लिक करके सेव बटन पर क्लिक करना है। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो है योर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, यूजर नेम एंड पासवर्ड सेंड टू योर ईमेल आईडी, ऐसा एक मैसेज आएगा। उसमें आपका यूजर नेम और पासवर्ड दिया होगा, उसको आपको यहाँ पे एंटर करके लॉग इन करना होता है। यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड करके भी आप अपना पासवर्ड फिर से प्राप्त कर सकते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपका पर्सनल डिटेल्स वाला भाग कंप्लीट हो चुका है। इसमें बेसिक डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट अपलोड, ये जो है 5 चरणों में कंप्लीट होता है आपका फॉर्म। तो इस प्रकार आपको फिलअप करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के समय जो डेटा दिया हुआ होता है वह यहाँ पे शो करता है। इसमें आपको यस या नो ये सब जो आपने चूज किया है पहले वही शो करेगा यहाँ पे। नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो उसमें आपको सेव एंड कंटिन्यू ग्रीन कलर में शो करेगा, उस पर आपको क्लिक करना होता है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका जो करंट एड्रेस जो आपका आधार कार्ड में प्रिंटेड होता है वह आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और एग्जाम सिटी, आपको कहाँ एग्जाम सिटी चाहिए उसमें से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। साथ ही आपका अदर डिटेल्स रिगार्डिंग एप्लीकेंट, यह मैं आपको फिलअप करके दिखा रहा हूँ। इस प्रकार एड्रेस को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस यदि सेम है तो चेक बॉक्स को एक्टिव करेंगे, उसके बाद आपका जो है फिलअप हो जाएगा। एग्जाम सिटी चूज कर लेना है, उसके बाद अदर डिटेल्स रिगार्डिंग एप्लीकेंट, आपके आवेदक से संबंधित जो है यहाँ पे रेडियो बटन दिया हुआ है उसमें आपको यस नो पे क्लिक करना है। इस प्रकार यस या नो। दोस्तों जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपको हर तरह का नोटिफिकेशन हमारे चैनल पे इसी तरह का मिलते रहेंगे। इस प्रकार यस नो करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका जो है एडुकेशन वाला पार्ट आपको यहाँ पे शो करेगा। क्या उम्मीदवार स्नातक पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में है, यस या नो है? यदि है तो यस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको 12वीं का डिटेल्स यहाँ पे देना होगा, और नहीं पे तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास स्नातक का जो डिग्री है उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल बटन जो दिया हुआ है स्क्रॉल बार, इसको आप स्क्रॉल करके आसानी से सारे फील्ड को भर पाएंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे डिग्री कौन सा डिग्री है, बीएससी है। सब्जेक्ट क्या है आपका, इंस्टीट्यूट नेम, यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर, रोल नंबर, परसेंटेज, ग्रेड क्या है, परसेंटेज है या ग्रेड है, टोटल मार्क्स, यहाँ पे आपको पूरा फिलअप करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एडुकेशन वाले पार्ट में सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको जो है वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स का यहाँ पे फील्ड दिया हुआ है, यदि आपके पास है तो आप लोग यहाँ पे फिलअप कीजिए अन्यथा सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। उसके बाद आपके पास जो है फोटोग्राफ और सिग्नेचर का अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें आपका जो है ओनली जेपीजी मैक्सिमम 100 KB, डायमेंशन मिनिमम 50 PX, मैक्सिमम 150 PX, इसका आपको ध्यान देकर ही आपको अपना फोटो एंड सिग्नेचर का साइज बनाना है।
साथ ही यहाँ पे ध्यान देना है नवीनतम फोटो पर अभ्यर्थी का नाम और फोटो खिंचाने की तिथि अंकित करें। फोटो खिंचवाने की तिथि विज्ञापन की तिथि के बाद की होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान देना है। साथ ही आपका जो फोटो का बैकग्राउंड जो होता है वो सफ़ेद हल्के रंग का होना चाहिए, इसका भी नोटिफिकेशन में उल्लेख किया गया है, तो इस चीज़ का आप लोग अच्छे से ध्यान दें। उसके बाद मैं आपको फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद आगे की प्रक्रिया बता रहा हूँ। इस प्रकार फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। उसके बाद जो है आपको फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली ऐसा मैसेज डिस्प्ले करेगा, उसको ओके कर देना है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू या कंफर्म सबमिट पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लें, उसके बाद कंटिन्यू सबमिट पे क्लिक कर लें। कंटिन्यू सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का मैसेज डिस्प्ले करेगा, प्लीज कंफर्म आर योर सेव डिटेल्स आर करेक्ट, ओनली क्लिक अप यू कैन नॉट एडिट द एप्लीकेशन। सबमिट करने के बाद आप जो है इस पे कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे। यदि आपको लगता है कि कोई त्रुटि है तो बैक बटन पे क्लिक करके आप पीछे जाकर अपना करेक्शन सुधार सकते हैं। साथ ही यदि किसी प्रकार का कोई करेक्शन हो जाता है तो इसमें करेक्शन चार्ज कुछ कटता है, उसके बाद जो आपका डेटा करेक्शन हो जाता है। इसमें करेक्शन के लिए मैं दिखाऊंगा, आपको साइट पे दिया हुआ है। तो इस प्रकार मैं ओके बटन पे क्लिक करता हूँ। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जो है पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, पे नाउ का, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है पेमेंट गेटवे इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देगा, जिसमें आप कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग के माध्यम से यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। इस प्रकार आपको कार्ड नंबर डालना होता है, उसके बाद पे पे क्लिक करना होता है। पेमेंट कर देने के बाद आपको जो है लॉगिन करने के बाद जो प्रिंट, जो एप्लीकेशन आपने यहाँ पे आवेदन किया हुआ है उसका एक प्रिंट आउट का ऑप्शन आएगा, उसमें आप अपने आवेदन को सुरक्षित सेव करके रख लीजिए भविष्य के कम्युनिकेशन के लिए। मोबाइल के माध्यम से इस फॉर्म को भरने के लिए आप अपने मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लें। गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको राइट हैंड साइड के टॉप में 3 डॉट बटन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद जो है आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको डेस्कटॉप साइट को इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद जो है आपका पेज पीसी और लैपटॉप की भांति ओपन होता है, तो आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर को रिसाइज करने के लिए मैंने रिसाइजर का एक वीडियो बनाया है, वहाँ से आप कर सकते हैं या आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तो आपको फॉर्म भरने से किसी भी प्रकार की यदि दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपका हेल्प करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साथ ही इस फॉर्म को भरने में यदि किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, यहाँ से आप बात कर पाएंगे। यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है, साथ ही यहाँ पे जो मैं करेक्शन के लिए बोल रहा था यहाँ पे चौथे नंबर पे दिया हुआ है, क्लिक हेयर टू एडिट ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे आप एडिट कर पाएंगे। साथ ही आप अपना पेमेंट आवेदन जो भरे हैं उसको पेमेंट करने के बाद यदि वहां से प्रिंट करने में दिक्कत होता हो तो आप यहां पे फिर से क्लिक हेयर टू लॉग इन एंड अप्लाई ऑनलाइन फॉर, यहां पे क्लिक करके जो है आप यहां से प्रिंट कर पाएंगे अपने आवेदन को। तो मिलते हैं एक अलग वीडियो में। थैंक यू।